3000 आप ले ली 8000 रुपए हमसे ले सके तो कई रुपए आप दिए इनका 7000 अरे 7000 3000 8000 50 रुपए एक और रुपए नहीं छोड़ेंगे लूट सकेंगे तो लूट लेंगे बस चलेगा बस अब तो जेब से हाथ है डार के निकाल ले मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के जैतपुर कस्बे का लगातार बस अब 3-4 दिनों से ये वीडियो हमारे पास आ रही है कि शिवम भैया देख लो मनोज कुमार नाम है इनका ये लेखपाल बहुत कायदे के लेखपाल है ऐसे लेखपाल है जो पैसा लूटने में जुट जाने जो जनता की जेब में बस अब हाथ डाल कर डकैती कर लेते हैं वाकई भैया यू लेखपाल है डकैत हमारे समझ में आता पर बस अब मनोज कुमार पर कायदे का आरोप लगा रही है जैतपुर की जनता साफ तौर से कह रही है कि भैया हमको कॉलोनी नहीं मिल रही और कॉलोनी के लिए लेखपाल साहब जांच लेकर आते हैं तो पैसा ले जाते हैं वृद्धा पेंशन को 50 रुपए तक नहीं छूटते वाकई में यू लेखपाल है क्या बताएं कह देंगे तो कलेजे मार्ग सुलझ जाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार का बस अब एक भी योजना ढंग से गरीबों को नहीं मिल पा रहा और मिलता तो 7000-8000 ऐसे बस अब आकर के लेखपाल ले जाते हैं फिलहाल स्थानीय लोगों की बात सुनिए माथा गर्मा उठेगा कहाँ की निवासी हो जैतपुर के लेखपाल मनोज आपसे कुछ पैसे ले रहे वरासत के लिए कत्ते रुपए ले रहे अरे हमका हम कह साहब हम मतलब हमका वरासत करवावे के बाप के नाम जमीन रहे तो पहले काहे लगा जो ला फलाना ला धमाका ला कागज सब बतावे लगा के बाद हम कह साहब अतला हम हेरे कहा जी बा ऐसे जाओ तुमको कुछ नहीं पड़ेगा और तुम 8000 रुपए दे दो 8000 रुपए आपसे ले लिए 8000 रुपए हमसे ले सही काम हो गया आपका हाँ काम हुआ लेखपाल कौन का नाम है का मनोज आप साहब नहीं जाना मनोज नाम है नहीं है इस समय मौजूदा लेखपाल है हाँ यही सब मौजूदी हालत पर अब फकीर से तो बस अब 8000 रुपए लिया आगे बखा तक महिला मिल गए कहन भाई आपको कॉलोनी के नाम पर का बता 7000 रुपए लेके चले गए और अभी तक कॉलोनी भी नहीं दिलवा पाए का नाम है आपका आपका कौन सा मोहल्ला है आपका अच्छा प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी जो आपकी रहा है अब तक की नहीं आई इसकी जाँच लेखपाल करने के लिए आपके यहाँ आ रहा है मनोज तो कई रुपए आप दिए इनका 7000 दिए हो अभी कॉलोनी नहीं आई है पैसा आपने हाथ से दिए रहो गरीब आदमी हो अब जैतपुर कस्बे के लेखपाल मनोज कुमार जिनका नाम बासा उनका कलेजा यही ठंडा नहीं होता बाकायदा अपनी तिजोरी भरने के लिए पैसा ठूसने के लिए आगे और बढ़ जाते हैं भाषा 3000 रुपए इस महिला से और ले लिया अभी तक कॉलोनी भी नहीं उपलब्ध करा पाए अभी महिला आपका आपके शौहर का नाम मोहल्ला आपका कौन सा है अच्छा जो लेखपाल मनोज कुमार आपकी कॉलोनी की जांच करे आ रहे हैं वो मैं आपसे कई रुपया लेना है 3000 रुपया ले लेना अभी तक कॉलोनी आपकी नहीं आई नहीं आई आपका पूरा घर तो कच्चा बना हुआ है एकदम कहीं कुछ है ही नहीं है घर में आप धन्नी से पटा हुआ है तो लेखपाल आए पैसे भी ले लिए और कॉलोनी भी नहीं आई अच्छा चलिए ठीक है देखते अब कहा दिखा भैया और कहा सुना आगे बखता वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बस अब ऐसे ऐसे मामले को लेकर 50-50 रुपए ले लेते मतलब जहाँ चाहे भाई तब हम पैसा ले लेंगे एक और रुपए नहीं छोड़ेंगे क्यों लेखपाल है बस अब ये वाकई में लेखपाल बने इसलिए मतलब भाई साहब 100 अंकों का पेपर होता लिखित पेपर लेखपाल का और 90 मिनट में देना होता तो बस अब ये जब एग्जाम पास किए होंगे तो मन में ठान लिए होंगे कि अब तो भाई साहब जमकर रुपया डकारेंगे इतना ठूसेंगे रुपया की कारदार पूरी अलमारी भर जाएगी वैसे बस अब एक इत्र के व्यापारी यहाँ छापा पड़ा है ना तो बहुत कायदे से खुलासा हुआ यहू को दिन फंसे तब मामला समझ में आएगा पर बाराबंकी जनपद समेत जैतपुर कस्बे के लिए आदम सावंत के साथ विकास साधो की रिपोर्ट इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा देखा जाएगा लगातार एप्लीकेशन दिया जा रहा है हम सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिखाना चाहेंगे और तमाम अधिकारियों को पर वीडियो को शेयर करना कहते हैं मैं दूरी का श्री दमदार से मिलते रहेंगे आपको वीडियो कैसे रही कमेंट कर बताओ।